भारत का संविधान भाग चार राज्य की नीति के निदेशक तत्व परिभाषा अनुच्छेद 36। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो राज्य का वही अर्थ है जो भाग तीन में है। अनुच्छेद 37। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 37। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38(1) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। 2. राज्य विशिष्टतया आय की समानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39। राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से का पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, ख समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, ग आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। घ पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अंग पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। च बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 का राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह
विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा यह किसी अन्य रीति से निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 ख सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। अनुच्छेद 43 ख राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वेच्छा विरचना, उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 छह वर्ष से कम आयु के बालक के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंधन। अनुच्छेद 45 राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्य
व्यवस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंधन करने का प्रयास करेगा।